तो आज का क्वेश्चन क्या है फाइंड सब्सिक्वेंस ऑफ लेंथ के विथ लार्जेस्ट सम हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एक इंटीजर दिया हुआ है इंटीजर एर ए जो कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे And हम लोग को फाइंड करना यू वॉन्ट टू फाइंडक्ट समी सच सबेंस क्या होता है, the order of hmm. देखो, एक होता है सब एरे जो हम लोग कंटिग्यूअस लेते हैं जैसे कि टू वन थ्री और थ्री हम लोग ऐसे कभी नहीं ले सकते हैं सब एरे में टू फिर थ्री और फिर थ्री क्यो? क्यों क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिग्यूस नहीं है लेकिन सब सिक्वेंस में क्या है कि कुछ भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे के दिया हुआ है टू तो हम लोग का टू डिजिट का सब सिक्वेंस लेना है तो वो कॉन्टिग्यूस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टिग्यूस भी हो सकता है जैसे कि हम लोग टू वन ले लिए या हम लोग टू थ्री भी ले सकते हैं देखो यहाँ टू और थ्री भी ले सकते हैं हम लोग ठीक है ना तो इस तरह हम लोग को कॉन्टिग्यूस सब सिक्वेंस ले सकते हैं तो अब बात आता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व करने से पहले आता है कि भैया क्वेश्चन क्या हम लोग वो समझते हैं पहले ठीक है तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि एरे हम लोग को दिया गया है ठीक है ना एरे हम लोग को दिया गया है टू वन थ्री और थ्री और के का वैल्यू क्या दिया हुआ है टू तो हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे एक एंटीजर एरे दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे के टू दिया हुआ रहेगा हम लोग को फाइंड करना है जितना कि के डिजिट का सबसीक्वेंस है हम लोग को वो फाइंड करना है और उसमें फाइंड करना है कि कौन सा मैक्सिमम सबसीक्वेंस का सम है जैसे कि इसमें थ्री प्लस थ्री जोड़ेंगे तो सिक्स होगा थ्री प्लस वन जोड़ रहे हैं तो फोर होगा टू प्लस थ्री तो फाइव तो जो मैक्सिमम सम होगा हम लोग को वही रिटर्न करना है हम लोग को वही रिटर्न करना है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे तो हम लोग यहाँ रिटर्न कर रहे हैं थ्री और थ्री और एक चीज और इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए जैसे ये थ्री पहले आया है तो ये थ्री पहले ही रहेगा जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल में देता हूँ कि माइनस वन टू और फोर इसमें जो लार्जेस्ट सम बन रहा है आप सब का -1, +3, +4, तो सम बन रहा है, तो है सिक्स और ये लार्जेस्ट सम कंटेन कर रहा है यही सब सिक्वेंस है मेरा तो इसमें देखो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है पहले माइनस वन आया फिर थ्री आया और फिर फोर आया तो ऑर्डर वाइज ही रिटर्न करना है ऐसा नहीं तुम कर देना की थ्री थ्री ऐसे कर देना है तुमको ठीक है ना कि थ्री पहले कर दिए और माइनस वन बाद में कर दिए और फोर पहले कर दिए तो हम लोग को अलग अलग नहीं करना है जैसा ऑर्डर में दिया गया वैसा हम लोग को रिटर्न करना है तो एक बार मैं क्या करता हूँ सम अप कर देता हूँ सो लेट सी हम लोग को एक इंटीजर एरे दिया रहेगा के दिया हुआ रहेगा हम लोग क्या करना है कि फाइंड द लार्जेस्ट सब सिक्वेंस ऑफ केत जितना केथ वैल्यू है उतना तक उतना ही डिजिट का हम लोग को सब सिक्वेंस फाइंड करना है और जो लार्जेस्ट सम है उसको हम लोग को रिटर्न करना है अब हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे तो सेम ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर को चेंज नहीं करना है ठीक है तो चलो हम लोग समझ गए हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉरी अप्रोच की तरफ तो तुम लोग को मैं हिंट दे देता हूँ कि इसमें कोई अच्छा सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा तो मुझे इसका इंट्यूशन कैसे आया था जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग कि आदित्य वर्मा का ही प्लेलिस्ट देखो तुम लोग ऐसा क्वेश्चन देख के एकदम आराम से दिमाग में आ जाए कि अच्छा इसमें हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना आदित्य वर्मा एक जेम है तो उसका मैं कंसिडर करूंगा कि हीप का जो प्ले है बहुत ही अच्छा बना हुआ है और तुम लोग उसको देख सकते हो तो हम लोग चलो अब इसका अप्रोच देखते हैं तो अप्रोच क्या होगा भैया चलो अप्रोच देखते हैं हम लोग राइटिंग को कंसिडर नहीं करना है तो देखो हम लोग क्या ले लेंगे एक मिन हीप ले लेंगे यानी कि प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे हम लोग ठीक है प्रायोरिटी क्यू अपना बना लिए हम लोग और मिन हीप में क्या होता है कि हम लोग मिन जो नंबर है वो सबसे ज्यादा आता है अब जैसे देखो यहाँ पे कि k2 टू हम लोग को लेना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डिजिट जो है डालते जाएंगे सारा डिजिट अब देखो जैसे कि हम लोग सबसे पहले टू डाले ठीक है और फिर हम लोग डाले वन और हम लोग हर वर्ड क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा जो डिजिट है वो के से ग्रेटर तो नहीं है ऐसा क्यों है मैं उसका इंट्यूशन भी बताता हूं देखो सबसे पहले हम लोग टू डाले फिर हम लोग चेक किए कि क्या मेरा के से डिजिट तो बड़ा नहीं ना है के मतलब कि टू डिजिट इसका लेंथ अभी वन है फिर हम लोग डाले वन तो चेक किए कि क्या मेरा जो इसका लेंथ है और ये जो के है इससे ज्यादा तो नहीं है नहीं अभी भी टू इज नॉट ग्रेटर देन फिर हम लोग तीसरा नंबर पे, पे अब हम लोग क्या किए कि थ्री डाले तो देखो यहाँ पे हम लोग थ्री डाले तो अब क्या हो गया कि अब जैसे ही के से ग्रेटर होगा हम लोग क्या करेंगे पॉप आउट करेंगे तो पॉप कौन होगा जो सबसे मिनिमम होता है वो पॉप हो जाता है देखो मिनिमम जो है पॉप हो गया फिर हम लोग इस पे आए फिर हम लोग जब इस पे आए तो इस पे जब हम लोग आए तो क्या हुआ यहाँ पे भी हम लोग थ्री डाले अब मेरा दो डिजिट था तो फिर फिर क्या हुआ कि एक डिजिट जो है दो से मेरा यानी कि के से अब ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग फिर पॉप आउट करेंगे तो पॉप कौन होगा मिनिमम अब ऐसा हो क्यों रहा है अब देखो क्या हो रहा है हम लोग क्या करेंगे कि डिजिट डिजिट, डिजिट डिजिट डालते जाएंगे कब तक हम लोग को चाहिए कि लार्जेस्ट सब ऑफ केएट डिजिट तो इसमें जो भी मिनिमम नंबर होगा ग्रेटर देन यानी कि लो चार डिजिट है तो हम लोग जैसे ही देखेंगे कि हम लोग को चाहिए बस टू एट डिजिट नंबर इसमें चाहिए हम लोग को तीन डिजिट नंबर तो जितना डिजिट नंबर चाहिए उतना ही हम लोग हिप में रखेंगे तो जितना भी मिनिमम नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे पॉप आउट कर लेंगे तो जो सारा मिनिमम पॉप आउट हो जाएगा तो जो लास्ट का केस है वो हम लोग का जो बचेगा वो मैक्सिमम नंबर बचेगा रिटर्न कर देंगे अब आता है भैया कि देखो हो सकता है कि ऑर्डर में ना हो क्योंकि हीप में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में नंबर आए जो कमजोर रहता है यानी कि जो मिनिमम रहता है वो कहाँ जाता है टॉप पे आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि जब पूरा हीप में आ गया तो देखो थ्री और थ्री मेरा कहा प्रेजेंट है प्रायोरिटी क्यू में तो हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंडेक्स तो हम लोग इसको जैसे डालेंगे तो कैसे हम लोग डालेंगे ध्यान से देखना हम लोग जब इसके अंदर डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडेक्स वाइज तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट कर दिए और फिर हम लोग का ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो एक बार और हम लोग अप्रोच देखते हैं इसका एकदम ध्यान से अप्रोच देखेंगे तो अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ कि भैया अप्रोच है क्या हम लोग को प्रायोरिटी क्यों क्यों यूज करना है ये हम लोग समझ गए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिए फिर हम लोग अप्रोच देखें पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए कि अप्रोच कहा क्या रहा है हम लोग देखें कि प्रायोरिटी क्यों यूज क्यों करना है तो प्रायोरिटी क्यों इसलिए यूज करना है ताकि जितना भी मिनिमम नंबर रहे वो क्या हो जाए बाहर हो जाए और हम लोग का जो भी दो डिजिट तीन डिजिट यानी कि डिजिट का जो चाहिए मैक्सिमम सम वो कहाँ रहेगा वो पहले से प्रायोरिटी क्यू में मौजूद रहेगा अब आता है भैया कि हम लोग को चाहिए तो ऑर्डर में क्योंकि ये तो पहले है ये पहले है और प्रायोरिटी क्यू में जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑर्डर में तो हम लोग क्या करेंगे प्रायोरिटी क्यू में इंडेक्स के साथ डालेंगे जैसे कि हम लोग डाले टू जीरो ठीक है? फिर हम लोग डालेंगे कैसे वन और यहाँ पे वन फिर हम लोग डाले थ्री कॉमा टू और फिर हम लोग डालेंगे थ्री कॉमा थ्री अब देखो जैसे ही हम लोग दो से ज्यादा होगा ये अपने आप पॉप आउट हो जाएगा जैसे ही मतलब के डिजिट से ज्यादा हो हम लोग को जितना चाहिए उतना ही हम लोग प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे तो जो मिनिमम नंबर है वो अपने आप बाहर हो जाएगा तो ये बाहर हो गया फिर देखिए दो से ज्यादा है तो हाँ ज्यादा है फिर हम लोग इसको पॉप आउट कर दिए अब बचा हम लोग का ये दोनों तो हम लोग क्या करेंगे इसको शॉर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू और इंडेक्स वाइज तो शॉर्ट हो जाएगा ये थ्री टू और हो जाएगा यहाँ पे थ्री और थ्री और हम लोग जो पहला वैल्यू है उसको क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे बाहर करेंगे और रिजल्ट में हम लोग ले लेंगे सो लेट्स रन एक बार तुम लोग फिर से सेकेंड देखो अब हम लोग को चाहिए इसमें तीन डिजिट तो हम अपना प्रायोरिटी क्यू ले लिए और हम लोग का लूप चलेगा यहाँ से हम लोग डाले माइनस वन कोमा जीरो इसमें डाले माइनस वन कोमा जीरो और यहाँ पे के थ्री है तो चेक किए कि क्या मेरा माइनस वन कोमा जीरो क्या इसके लेंथ से बड़ा है तो देखिये भैया नहीं बड़ा है तो फिर हम लोग इस पे आ गए ठीक है ना तो जब हम लोग इस पे आए तो फिर हम लोग क्या किए कि माइनस टू कोमा वन डाले अब माइनस टू कोमा वन डाले तो देखिये क्या मेरा बड़ा है तो देखिए डिजिट से बड़ा नहीं है तो हम लोग क्या किए कि फिर डाल दिए यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है तो हम लोग इसमें अंदर डाल सकते हैं फिर हम लोग डाले थ्री कॉमा टू अब देखिए हम लोग यहाँ पे कि थ्री कॉमा टू है अब देखिए कि क्या थ्री से बड़ा है मेरा तो अभी भी नहीं है फिर हम लोग फोर पे आए तो, तो हम लोग फोर पे आए तो हम लोग डाले फोर कॉमा थ्री फोर कॉमा थ्री तो फोर्थ कॉमर जब थ्री डाले तो इसमें देखो चार नंबर हो गया तो हम लोग को जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा अपने आप पॉप आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि ये मिन हिप है तो क्या हो गया ये अपने आप पॉप आउट हो गया तो ये वैल्यू देखो सॉरी सबसे छोटा कौन है ये है सॉरी सॉरी ये छोटा है सबसे क्योंकि निगेटिव डिजिट है तो निगेटिव में ये सबसे छोटा तो ये पॉप आउट हो जाएगा तो बचा कौन माइनस वन थ्री और फोर अब हम लोग इंडेक्स वाइज को क्या करेंगे सॉर्ट कर लेंगे यानी कि माइनस वन आएगा क्यों क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पे है फिर माइनस टू आएगा और फिर आएगा सॉरी ये तो हट गया फिर आएगा थ्री और फिर आएगा फोर तो माइनस वन थ्री और फोर मेरा ऑर्डर भी मेंटेन हो गया और जो मैक्सिमम सब सिक्वेंस था हम लोग को वो भी मिल गया क्योंकि अब जो प्रेजेंट रहेगा में वो क्या रहेगा मेरा मैक्सिमम सम क्योंकि हम लोग जितना भी मिनिमम उसको निकाल दिए और जितना जरूरी है उसका सम क्या आएगा मैक्सिमम आएगा तो ये हो गया हम लोग का अप्रोच अब होप के अप्रोच क्लियर हो गया होगा नाउ लेट्स जम्प टू द कोड हम लोग कोड पार्ट में आते हैं तो कोड बहुत ही सिंपल है जैसा हम लोग बोले हैं सिंपल वैसा ही किया हम लोग यहाँ क्या किए कि प्रायोरिटी क्यू बना लिए हैं लिएप मिन मिन प्रायोरिटी क्यू जो कि मीन हिप है अब हम लोग क्या किए कि लूप चलाएं और हम लोग देखो उसमें अपेंड कर रहे हैं कैसे नंबर और उसका इंडेक्स अब हम लोग जैसे ही चेक करेंगे कि के से मेरा ज्यादा वैल्यू हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे उसको पॉप आउट कर देंगे वो वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू अपने आप पॉप आउट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको शॉर्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू आवर इंडेक्स क्योंकि मेरा जो पहला वैल्यू था देख रहा है यहां पे index पहला value पे इंडेक्स पहला वैल्यू था उसके बाद वैल्यू हम लोग एंसर जहां पे हम लो तुम लो वेक्टर ले सकते हो या एरे लिस्ट जावा में और हम लोग क्या करेंगे हम अपना प्रायरिटी क्यू पे लूप चलाएंगे और हम लोग जो जीरो इंडेक्स पे है उसको क्या करेंगे हम लोग का जैसे थ्री कॉमा जीरो था हम लोग को थ्री चाहिए ना बस हम लोग इंडेक्स तो चाहिए नहीं तो जो जीरो उसको उसको करा देंगे या पुशबैक कर देंगे एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे तो ये था मेरा अप्रोच बहुत ही अच्छा अप्रोच था होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल थैंक यू वेरी मच और हम लोग यहाँ पे सबमिट करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग एक्सेप्टेड लिख दिया है ठीक है अब देखते हैं हम लोग का कितना फास्ट है हम लोग का मोर डिटेल्स में दिखाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा बहुत कम टाइम लगा है 94 फोर एम एस लगा है और 40.6 पॉइंट सिक्स एम बी और हम लोग का है देखो यू रन टाइम बिट्स टी नाइन पॉइंट तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्ट हो चुका है और हम लोग अच्छे से देख लें कि क्या हम लोग का चल रहा है इससे भी बेटर अप्रोच हो तो प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच फिर मिलते हैं हम लोग रिकर्सन के वीडियो के साथ हम लोग उसका कंटिन्यू करेंगे एक क्वेश्चन बता चुका है वर्ड सर्च अब एक पैटर्न पे क्वेश्चन लाएंगे जो हम लोग रिकर्सन से करेंगे उससे रिकर्सन जो ट्री होगा हम लोग का जो थॉट प्रोसेस होगा बहुत ज्यादा क्लियर होगा पैटर्न का क्वेश्चन बनाने से तो हम लोग क्या करेंगे पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे रिकर्सन से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद